बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमाराए, सखी जीवन हमाराए। श्री महामती कहे ए मोमिनो, पया चर्चा काबख, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इना तखत, लाल आगे आए बैठे इना तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु महाराज प्रणाम। महामती कहे ए साथ जी ए दीप की भी तक, अजू और बहुत है सो कहो ग्रहे माफक, सो कहो ग्रहे माफक। फिर कहे सुकन जय राम, अक्षरातीत धाम धनी ए बीतक के घटनाक्रम वर्णन करवा रहे हैं। कल के घटनाक्रम को जोड़ते हुए कल के प्रसंग में हमने सुना कि तारतम वाणी का अवतरण 14 ग्रंथों के रूप में कहाँ कहाँ हुआ, लेकिन इस प्रसंग में अभी हम जामनगर से आगे, नवानगर से आगे दीवबंदर के प्रसंग में पहुँचे हैं। तो जामनगर नवानगर में 3 ग्रंथों का, 3 किताबों का, रास प्रकाश और शतरुति और कलश की 2 चौपाई पूर्ण हुई। वाणी के अवतरण होने के बाद जब वहाँ के मंत्री ने मिहराज को सिरोपांव पहनाकर सांत्वना देते हुए विदा किया, मिहराज के अंदर आनंद की कोई सीमा न थी, क्योंकि अभी संसार की कोई आशा न रही। राज्य ने महामती धाम, इंद्रावती के धाम दिल पर इतनी विशेष मेहर की कि वाणी का अवतरण शुरू हो गया। जैसे ही वो ग्रंथ को, किताब को सिर पर लेके बिहारी जी महाराज के चरणों में रखा, और कल के प्रसंग में हमने सुना कि वाणी को वहाँ प्रचारित प्रसार होने नहीं दिया। व्यक्तिवाद, गादीवाद, जड़तावाद के घने बादलों ने एक ज्ञान रूपी सूर्य को ऐसे ही छिपा रखा है कि धाम धनी की मेहर रूपी कृपा रूपी वायु ही उसको दूर कर सकती है।
क्योंकि आमले पहले तो उसका स्वाद खाने में पहले कड़वा लगता है, लेकिन बाद में ये मीठा होता है, गुणकारी होता है। हमेशा सत्य की ही विजय होती है। सुंदर साथ जी, कल मैंने जो बिहारी जी महाराज को लेकर बात प्रसंग में हम जो आगे बढ़े थे, तो धाम धनी की बैठक कहां पर है? राज्य कोई मूल मिलावे में अकेले थोड़ी वहां बैठे हैं। मूल स्वरूप की 5 बार इस नश्वर ब्रह्मांड में जो लीला हुई अपनी आवेश शक्ति जोश के द्वारा, तो अलग अलग तनों में, पहले ब्रज में श्री कृष्ण के तन में, दोबारा रास में श्री कृष्ण के तन में, तीसरे मोहम्मद साहिब के तन में जोश की लीला हुई और अक्षर की आत्मा के साथ, और चौथे दिन में सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर आवेश और जोश के साथ, और 5वें दिन में श्री प्राणनाथ जी महामती के धाम दिल में जोश आवेश के साथ लीला जब पूर्ण हुई, और 6वें दिन में सब सुंदर साथ के दिल में धाम धनी अपना धाम बनाकर बैठ गए। अब हुक्मे द्वारा खोलिया उस प्रसंग के माध्यम से हमने सबने सुन लिया है। जब देवचंद्र जी को प्रथम दर्शन हुआ था, तब राज्य कोई ऊपर से थोड़ी आए और फिर ऊपर परम धाम चले गए, तभी देवचंद्र जी के धाम दिल से ही प्रकट होकर ही तो दर्शन दिया था। तब सुंदरबाई श्यामा जी को पहचान नहीं थी, दूसरी बार भी बाल मुकुंद के रूप में राज्य जी के आवेश ने ही तो दर्शन दिया था ध्यान के माध्यम से, और तीसरी बार कानजी भट्ट के वहाँ श्याम जी के मंदिर में 2 घंटे तक राज्य जी के साथ परम धाम के श्रृंगार में जो वार्तालाप हुआ, और बाद में श्यामा जी ने पूछा कि आप कहाँ जाओगे, तब बोला कि मैं अंदर बैठूंगा आकार में, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपके धाम दिल में ही बैठकर लीला करूंगा। तो राज्य कहीं नहीं गए। 4वें दिन में भी सतगुरु के धनी देवचंद्र जी के धाम दिल में बैठकर लीला करते थे, और जब ये 4वें दिन की लीला पूर्ण होने वाली है, तब इंद्रावती जी को झरोल से बुलाया गया, और कल मैंने अंतिम चौपाई लिखी कि मोहे आखर बखत बुलाई के जाहिर करी रोशन, धाम दरवाजे इंद्रावती ठाढ़ी करे रुदन। तब 5वें दिन में ये स्वरूप इंद्रावती महामती के धाम दिल में बैठकर लीला करने लगे, और 74 साल 2 मास और 10 दिन कम रहे, और अंतिम जब गुम्मर जी में अपनी लीला जो प्रत्यक्ष चल रही थी उस लीला से ओझल हो गए और गहन समाधि में डूबकर अपनी लीला को छिपा लिया। और जब सुंदर साथ दुखी होने लगे, तब सुंदर साथ को श्री जी ने क्या सांत्वना दी कि सुंदर साथ जी, मेरी बैठक कहीं नहीं है, मेरी बैठक तो एक तुम्हारे दिल में है और एक वाणी में है, मेरे को कहीं नहीं खोजना, नहीं मैं जड़ गादी में हूँ, नहीं मैं कोई व्यक्ति विशेष बैठ जाऊँगा, नहीं कोई मैं मंदिर में कोई सिंहासन पर एकांत स्थान पर बैठ जाऊँगा, या मैं कोई भी स्थावर जो चीज़ें हैं, मैं तो एक ब्रह्मात्माओं का दिल ही मेरा धाम है। आशिक मेरा नाम रुहल्ला, आशिक मेरा नाम रुहल्ला, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रुहनसो, मेरा उम्मत में आराम, ब्रह्म सृष्टियों के धाम दिल में ही मेरा आराम है, और कोई जगह मेरा स्थान नहीं है, बस आपको खोजना हो तो
ब्रह्म सृष्टियों के धाम दिल में दर्शन करो और एक वाणी में देखो। तो राज जी कहाँ बैठे हैं? अपने धाम दिल में। तो ये सुंदर सा जी प्रसंग को हमने देखा। और दूसरे प्रसंग जयराम भाई की आत्मा को प्रबोधित करते हुए जो खंडनी के कठोर वचन श्री जी ने किया और उसको अपने मूल घर की धनी की और स्वरूप की पहचान करवाई। और आगे कल हमने ब्रज रास की लीला को दीव बंदर में जो घटनाक्रम घटित हुए, इस घटनाक्रम में आगे बढ़ते हुए ब्रज रास की लीला को देखते हुए रास की लीला में अंतिम हम कहाँ पहुँचे थे, आपको याद होना चाहिए प्रसंग को। कल हम कहाँ पूर्ण किया था इस प्रसंग को, अभी मैंने चौपाई भी दोहराई। जब श्री जी जयराम भाई एक को नहीं हम सबको प्रबोधित कर रहे, अभी इसी समय इसी क्षण में 4:10 है, बता रहे कि सुंदर साची वो रास में खेलने वाले तुम ही तो थे, कैसे मेरी आवेश शक्ति कृष्ण के तन से निकल गई और वहाँ राधिका जी के अंदर श्यामा जी में ही तो बैठ गई थी, लेकिन बताया कि आधा एक बीच में वृक्ष आ गया क्योंकि सखियों के अंदर थोड़ी सी माया खड़ी हुई ने। तो राज जी ने बोला कि रास में प्रवेश करना होने तो भी सूक्ष्म भी हमारे अंदर एक अस्मिता जैसा सूक्ष्म भी भाव बना रहेगा तो भी राज जी हमारे से दूर है। वैसे तो सूक्ष्म स्वरूप से तो हमारे धाम दिल में बैठे हैं, लेकिन दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? हमारे ऊपर तो कितनी परतें लगी है माया की, हम फरामोशी बोलते हैं ना, कितनी परतें, पता नहीं, एक परत उठाएंगे तब दूसरी लगी है, दूसरी उठाएंगे तीसरी लगी है, वैसी इतनी परत लगी है ऊपर, इतनी जंग लग गई है कि अंदर राज जी तो प्राण नली से भी निकट है लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। तो यहाँ आगे जो प्रसंग कल आधा छूटा था उसमें बताया कि फिर जैसे व्रज की अनुकरण लीला की और फिर राज जी का जोश आवेश और अक्षर की आत्म वापस कहाँ बैठ गई, श्री कृष्ण जी के अंदर, और फिर लीला प्रारंभ हो गई। और एक एक कृष्ण, एक एक कृष्ण के अंदर बालाजी की आवेश शक्ति बैठी थी, एक एक राज्जी के साथ एक एक सखी का इतनी प्रेम पूर्ण माधुर्य पूर्ण रस भरी ऐसी लीलाएं हुई। राज्जी ने हमसे आलिंगन बद्ध होकर इतना प्रेम की विलास की लीला की। और आगे जमुना जी के तट पर ले जाकर वहाँ स्नान जीर्णा भी हमने साथ में किया। अनिहारे रास ग्रंथ में हम बोलते हैं ना, अनिहारे जीलण रसो हामण आपण जिलसु वाला जी ने संग रामत रमीन घेरे आविया काई पूर्ण थयो रंग रास आपण जिल सुवाला जी सा। श्री राज कहे श्यामा जी सुनो काई तमारा मन माजे जो योग माया केवल ब्रह्म में अखंड जो महारास रात्रि की जो रास लीला खेली गई वहाँ कैसे जमुना जी के तट पर हम सब ने जीर्णा सिंगार किया और हमारे जो उतारे हुए वस्त्र जो पसीने वाले वहाँ पसीना नहीं है, यहाँ बताया कि उस पर राज जी ने कैसे बैठे, मतलब राज जी का हमारे प्रति कितना गहरा प्रेम था। और उसके बाद सब
भोजन आरोगने के लिए बैठे। बैठा मली आरोगवा, बैठा मली आरोगवा, कई जूझवीते भाते, सो सखी सो इंद्रावती, सो सखी श्रो इंद्रावती, प्रीषणे भली भात, अपन जिल सुवाला जीने साथ, अपन जिल सुवाला जीने साथ। मतलब साथ मड़ी बैठा आरोगवा, कई जूझ भी पान, एक एक पंक्ति में ऐसे बैठ गए। और सो सखी सु इंद्रावती, इंद्रावती का पूरा ग्रुप, पूरा मंडल सबको परोसने लगा। पहले सबको राज्य को, सबको भोजन करवाया, और राज्य फिर ये सब सखियों को भोजन कराएंगे। और जब समय आया, मौका मिला, तो सब सखिया भोजन करने के बाद राजी सब राजी और श्यामा जी को घेर कर सब बैठ गई और क्या पूछने लगी कि वाला जी, तुमने प्रेम की विलास की तो लीला की, प्रेम का तो सुख अनंत दिया, लेकिन बीच में विरह का भी दुख दिया। क्योंकि राजी ने पूछा कि वृंदावन कैसा लगा सखिया, तब सखियों ने जाके बोला कि धनी, प्रेम के विलास का तो सुख दिया, लेकिन साथ में विरह का भी दुख दिया, इसलिए वृंदावन शमशान घाट की तरह लगा। कैसा लगा? शमशान घाट की तरह। देखो, वृंदावन का एक रस ऐसे ही सुख दिया तो भी शमशान घाट लगा था, लगा था पास्ट भूतकाल। आज धनी पता नहीं पूरा दिन में एक क्षण भी तरंग नहीं उठ रही है तो भी चैन से यहाँ रह रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? वहाँ एक क्षण की जुदागी भी युगों समान व्यतीत हुई, ऐसा सुख भी शमशान की तरह लगा। आज 400 साल बीत गए, क्या विरह, क्या पीड़ा, क्या दर्द, कैसे आराम से हम हमारे घर में शांति से बैठे हैं। फिर सखिया ने पूछा तो बोले कि मैं कहीं नहीं गया था, वृंदावन में ही था। तब सखिया ने बोला कि वाला जी, वृंदावन में थे तो कान लली थी आप अते जो वृंदावन, तो कान लीधी सार, वन वन बैठे विलखियो कान आविया आधार। एक पल में सखिया कलब कई बीतीत, ये मारो जीव जाने प्रेम तणी ये रीत। क्या बताया कि सखिया, तुम तो बोल रही हो कि हम वन वन, मतलब एक एक पेड़ को, एक एक लताओं को पूछा, वाला जी आप वन में थे तो क्यों नहीं दिखाई दिए। तब वाला जी ने क्या बोला कि सखिया, आपको भी मैं वहाँ ही था, लेकिन आपको क्यों एक पेड़ आ गया बीच में, मतलब अंदर थोड़ी सी भी कुछ बात उठी ना। राज्य हमारा पल्लू सेट कर रहे हैं, राज्य हमारी चोटी, जो भी सिंगार को लेकर, तो सीधे ही वाला जी अंतर ध्यान। और अक्षर को क्या याद दिलानी थी, तुम कहाँ हो, अपने केवल ब्रह्म में, परम धाम में नहीं हो। और सखियों को भी दुख, विरह का दुख दिखाना था। तो ये दोनों को ये दिखाने के लिए, और हम आरती में बोलते हैं ना, दूसरी आरती रास में आई, दूसरी आरती रास में आई, अक्षर मनोरथ पूर्ण कराई, अक्षर मनोरथ पूर्ण कराई। जो मनोरथ थे ना अक्षरातीत के,
माहौल के अंदर जो इश्क और आनंद की लीला का सुख दिखाना था, तो सखी और राज्य के बीच में क्या लीला चल रही है ये रास के माध्यम से दिखाया। जो रहेगा वो जागनी के ब्रह्मांड में राजी हमको खेल दिखाएंगे और अक्षर की आत्मा को प्रेम और आनंद की लीला दिखाएंगे। और आगे बताया कि तुम्हारे मनोरथ पूर्ण ना हुए तो तीसरा जागनी का ब्रह्मांड रचा जा रहा है। इससे पहले क्या बात हुई, जब सब बैठे तो सखिया ने बोला कि राजी ने पूछा कि सखिया आपकी अभी क्या इच्छा अधूरी रह गई। तब सखिया ने बोला हवे ने हवे रे वालैया एटलू मागू जहाँ खीन एक अलगा न थइए जहाँ वीर नहीं आपणो चलो ते घर जाइए। बालाजी एक क्षण आपसे जुदागी न हो ऐसे घर ले चलो। तब बालाजी ने बोला ये घर तो एक हमारा दिव्य परम धाम है, चलो मैं वहाँ लेकर चलता हूँ। लेकिन वहाँ तो गए हमारी खेल की इच्छा जो थी अलग अलग प्रांत देश बोली वेशभूषा की पूर्ण नहीं हुई। तो कछु इन विद कियो रास खेल के फिरे घर उम्मीद ना हुआ पूर्ण तो धाख मन में रही। हमारी इच्छा रास में पूर्ण नहीं हुई क्योंकि वहाँ तो खेल को देखा ही नहीं, कृष्ण जी साथ में रहे मतलब उसके अंदर राज्य की आवेश शक्ति साथ में रही तो वहाँ खेल हमने नहीं देखा। तीसरे जागणी ब्रह्मांड में राज्य ने श्री श्यामा जी के साथ भेजा और श्यामा जी के साथ आए हुए सुंदर साथ जी 432 से अपसाल हो गए। यह आगे बताया कि इतनी याद दिलाने के बाद भी हमको मूल घर हमारे प्रियतम और हमारी आत्मा की पहचान हमने नहीं की। वैसी लीला दीव बंदर में चलती रही और वहाँ के जो कथावाचक थे पौराणिक लोग जो कथा पुराणों की करते थे उन लोगों ने जागणी कार्य में व्यधान डाले, आफते डालने लगे, विरोध खड़ा किया। क्या किया ये आगे हम देखेंगे। लेकिन यहां सुंदर साथ जी जो ब्रह्म मुनियों का ईमान था, जो उसकी श्रद्धा थी, हम अपने राज्य पर ईमान पर कितने खड़े हैं, कितने श्रद्धा पर हम खड़े हैं, ये खेल में मोमिनों की होत है परीक्षा। राज्य यहाँ परीक्षा ले रहे हैं, जो हमारा ईमान राज्य पर पूरा होगा, हमारा विश्वास अडिग होगा तो कोई डिगा नहीं पाएंगे। जैसे कि हम जल में हमारा पैर एकदम ठोस रखकर हम जब खड़े रह जाएंगे तो जल का जितना भी बहाव आएगा लेकिन हमको खींच के नहीं ले जाएगा, हम वहाँ ही खड़ा रहेंगे और लहरें उठेगी फिर वापस चली जाएगी। यहाँ ईमान की परीक्षा है तो वहाँ क्या विरोध किया दीव बंदर में, के कथावाचकों ने अंदर जो एक द्वेष भावना विरोध क्या खड़ा हुआ कि चलो ये लोग जो आए हैं महात्मा साधु लोग और जो और भी उसके साथ जमात है उसका ऐसे ही चलता रहेगा तो यहाँ हमारा जो हमारी मान्यताएं हैं पौराणिक ये जो रूढ़िवादिताएं हैं ये सब नष्ट हो जाएगी तो हम ऐसा करें उसको जो पुर्तगाली बादशाह है ईसाई के उसको हम चुगली करें कि हमारी जो तुम एक चुगलकर को खड़ा करें और उसको बोलो बोले हम कि जाओ तुम पुर्तगाली बादशाह से बोलो कि तुम्हारे देवी देवता की वो जो महात्मा आए हैं वो चुगली कर रहे हैं। तो उसने चुगलकर को खड़ा किया
और चुगलखोर पुर्तगाली बादशाह के मित्र थे। और जब वो वहाँ पुर्तगाली बादशाह को मिलने के लिए गए, तब रास्ते में देखो राजी कहीं भी ब्रह्मात्मा पर कष्ट आते ने, दुख आते ने, तब अपना अंग को बीच में आड़ा रख देते हैं। यहाँ कष्ट नहीं आने दिया। राजी ने ये चुगलखोर के मित्र का एक जोश के स्वरूप ने, राजी के जोश के स्वरूप ने चुगलखोर के मित्र का रूप ले लिया। और जो चुगलखोर जा रहे थे दरबार में, तब बीच में जाके रोका, चुगलखोर को बोला कि हे मित्र, तुम इतने जल्द जल्द आज सुबह को उतावले क्यों जा रहे, इतनी जल्द क्यों है। तब उसने बोला कि मैं पुर्तगाली बादशाह को एक शिकायत करने के लिए जा रहा हूँ। तो बोले कि क्या शिकायत है। तब बताया कि जो कोई महात्मा आया है वो उसके देवी देवता की निंदा करते हैं। तब ये मित्र के जो जोश के स्वरूप में जो मित्र था, उसने बोला कि क्या तुमने अपने कानों से सुना है। तो बोले नहीं। तो बोले तूने अपनी आँखों से देखा है। तो बोले नहीं। तो क्या कानों से सुना नहीं है, आँखों से देखा नहीं है, तू सीधे ही वास्तविकता की जानकारी लिए बिना सीधे ही उस बादशाह तक जा रहा है। वो बादशाह अत्याचारी है, क्रूर है, वो हिंदुओं का विरोधी है, सीधे ही इस महात्मा पर अत्याचार करेगा, प्रहार करेगा, उसका पाप का गुनाह ये तेरे को लगेगा, क्या तुमने कभी सोचा इस बारे में। तब वो पीछे हट गया, गिर गया कि नहीं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, अच्छा हुआ कि तुम आ गए, मेरे को पहले से सावचेत कर दिया। तो सुंदर साची कई बार आंखों से देखा हुआ और कानों से सुना हुआ कई बार गलत होता है। मतलब जो देखा है वो सही है, इतना 100% हम नहीं कह सकते। जो सुना है वो भी सही है, ये भी हम नहीं कह सकते। जब तक वास्तविकता का, यथार्थता की पहचान न हो, तब तक जो हम एक बात को बोलना है ना, हमारी वैखरी वाणी में जब जुबान में ये वचन आते हैं, तब इस वचन पर चार बार विचार करके आप एक बार जवाब दीजिए। हम तो क्या करते हैं, किसी का एक बार सुना और सीधी सोचे विचारे बिना सीधा रिप्लाई रिटर्न दे दिया। यहाँ तो धर्म ग्रंथों का कथन है कि तुम एक बार किसी की कही हुई वाणी को पहले विचार करो, चार बार विचार करो और एक बार जवाब दो, ये भी सोच समझ कर जवाब दो। तो यहाँ ये पीछे हट वापस लौट गया और जो अफवाहें पूरा शहर में फैल गई कि भाई कोई चुगलखोर को खड़ा किया है, वो पुर्तगाली बादशाह को शिकायत करने के लिए गया है, तो शायद वो आएगा और सबको वो पकड़ लेंगे। तो सुंदर साथ में खलबल मच गई और सब कोई खाड़ी पार करके चले गए, कोई शहर में इधर उधर छिप गए। सुंदर साची यही लीला तो हमारे बीच में चल रही है। हमारा भी ईमान, कई छोटी सी ऐसी बातें उठे तो हमारा ईमान भी सीधा हिल जाता है। यहाँ भी देखो एक बाहर से ही बातें बस उठी है, लोगों ने सुंदर साथ ने विचारे बिना सोचे बिना कोई शहर में छिप गए, कोई खाड़ी पार कर चले गए। जब दूसरे दिन पता चला कि ऐसा कुछ था नहीं, तब सुंदर साथ शर्म के मारे नीचे मुंह कर आए और अपनी भूल जो हुई थी उसने वो स्वीकार किया। और आगे धामधनी ने बताया कि भूल स्वीकार करने के बाद वो जो जिसका ईमान था इतना सबने सुख लिया, और जो मूल अंकुर था इतना वहाँ सबने सुख लिया, और शिव जी की अवलौकिक चर्चा और जो
प्रेम भरी चर्चा हो रही थी, वो चर्चा का जो प्रवाह बह रहा था उस रस में उसने जीर्ण किया। लेकिन अंकुर के बिना कर में डाले अंधेर, क्या करे बिचारे, उसका तो कोई गुना ही नहीं था। तो वहाँ बहुत से सुंदर साथ जी ऐसे ईमान पर से हिल गए और बहुत से सुंदर साथ आगे बढ़े और कई सुंदर साथ ने वहाँ तारतम भी लिए और उसमें से जो एक अधिक ईमान पर खड़े रहे तो जयराम भाई कंसारा। वैसे तो और सुंदर साथ भी रहे लेकिन यहाँ अधिक और पक्के ईमान वाले बताया तो जयराम भाई कंसारा को बताया। और आगे श्री जी वहाँ से जब निकलते हैं तो सीधे वहाँ से मंडई पहुँचते हैं, नबी पोरबंदर से होके मंडई पहुँचते हैं और मंडई में ठावर भाई और सुंदर साथ को मिलते हैं। वहाँ खंडणी के वचन से समझाते हैं, कई कठोर वचन से समझाते हैं। मंडई से वो कपाइये में आते हैं, वहाँ हरिवंश भाई रहते हैं और हरिवंश भाई अपने बड़े भाई जिसकी पत्नी का नाम मेघबाई था वो कपैया में रहते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम यहाँ आए कितने साल हो गए, अभी तक आपने अपनी पहचान नहीं की है, जाओ नौतनपुरी जाके बिहारी जी महाराज के दर्शन करो। तो उसको वहाँ भेजते हैं और वहाँ से अंतिम वो भोजनगर आते हैं। कहाँ आते हैं? भोजनगर आते हैं और भोजनगर आके वृंदावन भाई और सब और सुंदर साथ को वहाँ मिलते हैं और वहाँ भी सुंदर साथ की खंडनी और कठोर वचनों से राजी उपदेश देते हैं, प्रबोधित करते हैं और सुंदर साथ को कहते हैं कि हे सुंदर साथ, ये माया, ध्यान से, ये माया अभी भी किसी की नहीं हुई है और किसी की होने वाली भी नहीं है। तुम माया में इतने डूबे पड़े हो कि चरण से लेकर सिर तक देखो इस माया ने किसी को नहीं छोड़ा है। इस माया को तुम हल्की मत गिनो, इस माया के पूर्व में क्यों बहते जा रहे हो। हम रास के पहले नंबर के प्रकरण में भी सुनते हैं ना, ये माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी थकी, मुनि जन ने मनाविया हार, शिव ब्रह्मादिक नवलहे पार, सुख सनकादिक ने नवटली, लक्ष्मी नारायण ने फरी वली, विष्णु वैकुंठ लीधा माहे, सागर शिखर न मुक्या क्या है। ये ऊपर आवे बीजा नाम ते कहना लहू। यहाँ यह ब्रह्मांड के अधिपति त्रिदेवों का भी नाम ले लिया, नारायण तक किसी को माया ने छोड़ा नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल बताऊँ आपको, मतलब ये छोटी बुक है, ठीक है, ये छोटी सी बुकलेट है, मैंने यहाँ थोड़ी पेज के बदलने के लिए रखी है। ये बुक को मैंने पकड़ा या बुक ने मेरे को पकड़ा है? ये बुक है छोटी सी, ठीक है, उस बुक को मैंने पकड़ा है या बुक ने मेरे को पकड़ा है? मैंने पकड़ा है ना बुक को, बुक ने मेरे को, ये छोटी सी बुकलेट ने मेरे को नहीं पकड़ा, मैंने बुक को पकड़ा है, ठीक है। आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहती हूँ? ये माया ने हमको पकड़ा या हमने माया को पकड़ा है? हमने माया को पकड़ा है ना, माया ने हमको नहीं पकड़ा है। जो भी संसार की चीजें है उसको पकड़ते हैं कौन? और राजी ने क्या बोला था, एक कोने में बिच्छू है। राजी ने क्या बोला था, एक एक कोने में बिच्छू है, वहां आपका हाथ नहीं डालना, जैसे ही आप डालेंगे तो बिच्छू क्या करेंगे, दंश मारेंगे ना, कि बिच्छू का स्वभाव क्या है, इसका गुण क्या है, दंश मारना, ठीक है। तो बोले कि वहां आप हाथ नहीं डालना, वहां हाथ नहीं घुसाना। तो हम पूरा दिन क्या करते हैं, सुई सुई ने सूता,
खंडड़ी के वचन बोले ने, सुई सुई ने सुता का करो जी, इन विषम ठेकाना माहे जी, इन भोम में कोई ना उगरिया, तुम सुता ही ठेकाने जी। सुंदर साथ जी, ये विष की भोम है, विष का बिछोना है, विष का पलंग है, विष का तकिया है, विष का खाना है, विष का पीना है, ये सब विष रूप है। तो आपको एक प्रश्न खड़ा होगा कि तो अमृत क्या कहाँ है, अमृत कहाँ है? राज्य के चरणों में। क्या है अमृत? राज्य के चरणों में। सब जगह विष मतलब हमारी इंद्रिया, जो पांचों इंद्रिया है, पूरा दिन पांचों इंद्रियों के माध्यम से बस ये संसार की ओर ही वो भागती रहती है। कोई भी स्वाद में, चाहे नासिका का सुगंध, नासिका की सुगंध हो, जिहिया का स्वाद हो, चाहे कान की बात हो, चाहे स्पर्श की हो, चाहे नेत्र से कोई गंदगी की चीज़ें देखनी हो, पूरा दिन जितनी देर हमारी इंद्रिया जो देखती है, जो सुनती है, जो स्पर्श करती है, जो सुगंध लेती है, ये पांचों इंद्रियों के जो गुण है ना, पूरा दिन बस अंदर क्या भरते हैं? माया ही माया। यहां बताया कि सुई सुई ने सुता तीन बार बोला। पहले हम ब्रज में भी पूरी नींद का रहा, इसलिए एक बार बोला सुई ने, फिर बोला सुने, तो रास में भी अर्ध जागृत और आदि नींद, फिर बोला सुई सुई ने सुता कहाँ करो जी, मतलब जागनी ब्रह्मांड में आ गए, अभी तक सोए हो। हम वो नींद में तो सोए, वो जो अभी तमोगुण वाली निंदा निद्रा होती ने, उसमें भी 3:30 बजे तक बस यहाँ इंतजार ही करना पड़ता कि कब सुंदर सार कमरे से बाहर आए और कब चर्चा शुरू करे। ठीक है, वो भी नींद ऐसे ही गहरी दोपहर को कैसे आए, मैं तो ये विचार करती हूँ सच में। यहाँ बीतक है इसलिए नहीं बोल रही, मैं राज्य के सामने झूठ नहीं बोलूँगी। घर में भी निंद्रा दिन की कैसी होनी चाहिए, ठीक है, रात को 2-3 घंटे हम नींद लेते हैं, वो भी ऐसी शांति के सुख चैन वाली तो होनी ही नहीं चाहिए, वो भी एक योग निंद्रा बने तो बहुत अच्छा है। लेकिन दिन को भी क्या ऐसे ही घुटन पर घुटन ऐसे सो जाए क्या? 1-1.5 बजे तो हमने खाना ही खा लिया, 2 घंटे 3:30 बजे तक कोई सुंदर शादी आते ही नहीं। मैं यहाँ 3:10 बजे आ जाती हूँ, कोई नहीं, वो तो इधर उधर। फिर यहाँ राज जी वो नींद की बात कर रहे, अज्ञानता रूपी, यहाँ हम 2 नींद कर रहे, देखो कौन उठाएगा। चलो अभी तो बच्चे एक एक दरवाजे को खटखटा रहे कि निकलो निकलो निकलो। यहाँ सुंदर साथ की भूज में खंडनी कर रहे हैं या हमारी अभी यहाँ सरसावा के प्रांगण में कर रहे हैं? सुंदर साथ जी, श्री जी, ये भूज में वो सुंदर साथ की कर रहे हैं या हमारी यहाँ इस प्रांगण में हो रही है? कहाँ हो रही है सुंदर साथ जी, जवाब दीजिए आप, कहाँ हो रही है? हमारी ने यहाँ हो रही है ने सुंदर साथ जी। तो राज जी ऐसे तो बहुत रास्ते में खंडनी के वचन सुनाएंगे, कहाँ तक? जब तक हमारे दिल में प्रेम भरा नहीं जाएगा, जब तक ये दिल प्रेम से परिपूर्ण नहीं होगा, आगे जाके राज जी सुख ही सुख देंगे, सुख तो अभी भी दे रहे लेकिन अभी हमारा दिल इतना ठीठ, इतना कठोर हो गया है ना, तो वैसे भी जगाना पड़ता है। जहाँ जा जैसी ज़रूरत होगी वैसे वैसे राज जी जगाते जाएंगे। वहाँ भी सुंदर साथ जी हर जगह, वहाँ प्रागमल भाई, कुंवर भाई, आगे सुंदर साथ को हरिवंश भाई, ये सबको जगाते जगाते एक एक 2 दिन रह के अंतिम कहाँ आते? ठट्ठा नगर। आगे ठट्ठा नगर में पहुँचते हैं, ठट्ठा नगर में जाके नाथा भाई जोशी को मिलते हैं। किसको मिलते हैं? नाथा भाई जोशी को मिलते हैं। और वहाँ में
नाथा जोशी ने जैसे ही शिव जी को देखा तो त्रिविध का जो ताप है, जो दुख है, जो द्वंद्व है, ये सब समाप्त तो हो गए। देखो श्री जी का दर्शन करते ही संसार के दुख द्वंद्व ये सब हल्के हो गए। हमने तो कितनी बार राज जी के दर्शन किए तो भी अंदर रोज ही द्वंद्व रोज खड़े होते ही जा रहे, होते ही जा रहे, समाप्त ठंडा होना चाहिए, अंदर शीतलता होनी चाहिए। या अंतिम चौपाई में बताया कि महामती कहे साथ जी ये दीप से ले ठट्ठा में, अब फिर कहो ठट्ठे की भय भी तक सो हमसे। यहाँ धामधनी महामती के स्वरों में कह रहे कि हे सुंदर साथ जी, मैं तुमको अभी तक ये दीप बंदर का घटनाक्रम बताया और आगे हम ठट्ठा में तो पहुँच गए, लेकिन ठट्ठा का घटनाक्रम अभी मैंने वर्णन करना शुरू नहीं किया है। आप ध्यान से सुनिए, आगे मैं ठट्ठा नगर के घटनाक्रम वर्णन करने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। आगे बताया के श्री जी आए ठट्ठे में, रहे दिन 10-12, फिर लाठी बंदर आए हुए इत होशियार। अभी ठट्ठा नगर का जब घटनाक्रम में आगे बढ़ते हैं तो यह बताते कि सुंदर साथ जी, जब हम पहली बार ठट्ठा नगर पहुँचे और वहाँ से हम लाठी बंदर और लाठी से फिर 17 दिन तक नाव आगे बढ़ेगी, फिर सागर में दरिया में तूफान आएगा और तूफान आने के बाद नाव वापस आएगी, ये प्रसंग को धामधनी आगे बताने जा रहे हैं। तो सुंदर साथ जी आप ध्यान से सुनिए, और क्या कहा पहली चौपाई में कि धामधनी ने एक कैसा माया का खेल दिखाया है, कैसा दिखाया है, एक हिकमत वाला एक अनहोनी घटना के रूप में। कैसा मैं बताती हूँ, सागर ग्रंथ नहीं श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण में बताया है कि नींद उड़े रहे ना सुपना, सुपने में देखना हक। सही में तो हमारी नींद होती है तब तक सुपना सपना चलता रहता है, जैसे ही नींद उड़ी सपना पूर्ण हो जाता ने, पूर्ण हो जाता ने। यहाँ बताया कि नींद भी उड़ा दी है तारतम वाणी के माध्यम से और ये सपने का ब्रह्मांड भी रखा। नींद उड़ने के बाद सपना तो खत्म होना चाहिए, ये सपने का ब्रह्मांड रखा, नींद भी तारतम वाणी से उड़ा दी, हमको जागृत भी किया, परम धाम की यहाँ बैठे बैठे घर की धनी की और स्वरूप की पहचान भी कराई। तो एक कैसा और ऐसा तारतम ज्ञान इस संसार में आया, ऐसा तारतम ज्ञान इस संसार में आया, एक अनहोनी घटना के रूप में ही आया, ऐसा अनहोनी घटना के रूप में ये खेल दिखाया। तो श्री जी जब लाठी बंदर से ठट्ठा नगर आए और ठट्ठा नगर में 8-10 दिन रुक के फिर नाव पर चढ़े और नाव में बैठकर जब आगे बढ़ रहे थे, 17 दिन तक नाव आगे बढ़ी और फिर सागर में जब तूफान आया तो नाव फिर वापस किनारे आ गई। क्यों आ गई सुंदर साथ जी? क्योंकि धामधनी का मूल स्वरूप का आदेश था, उसका हुक्म था। क्या हुक्म था? कि जो ठट्ठा नगर है उस शहर में दो आत्माएं, जो प्रमुख एक लालदासी लक्ष्मण सेठ करके आसमाई और एक चिंतामणि जो गादीपति बनकर वहाँ बैठे हैं, ये दोनों आत्माओं को जगाने के लिए ये नाव वापस आई और आके सब सुंदर साथ को श्री जी मिलते हैं। वहाँ नाथा जोशी से तो मिलाप हो गया था, जिंदादास ठाकुरी भाई भी मिलते हैं, बंधन भाई भी रास्ते में मिलते हैं और बंधन भाई के घर
श्री जी का ठहरना होता है, वहाँ ही उतारा होता है और सब सुंदर साथ एक जगह एकत्रित होते और श्री जी की अवलौकिक चर्चा वहाँ प्रारंभ हो जाती है। श्री जी के मुख से ऐसे ही चर्चा का रस प्रवाहित होने लगता है कि सुंदर साथ उसमें डूब जाते हैं। यहाँ आगे प्रसंग में कि श्री जी की चर्चा का प्रवाह इतना जोर शोर से बढ़ने लगा, पूरे शहर में इतना प्रभाव बढ़ने लगा कि लोग दर्शन करने भी श्री जी के आने लगे। और इतना ही नहीं, श्री जी का दर्शन करके अपने को इतना धन्य धन्य मानने लगे और क्या बोलने लगे कि ऐसे ही कोई अवलौकिक चर्चा करने वाले, कोई अद्भुत ज्ञान की चर्चा करने वाले, ऐसे कोई महात्मा इस ठट्ठा नगर में आए हैं, चलो हम भी उस ज्ञान की चर्चा सुने, हम भी उस गंगा में स्नान करें। इतना नहीं, और भी चर्चा सुनने के बाद अपने को धन्य धन्य तो मानता था, लेकिन और आगे क्या बोलता था कि ये परमात्मा की कृपा है, ये परमात्मा की मेहर है, इसलिए हमको ये अवलौकिक ज्ञान सुनने को मिल रहा है और अपने के ये धन्य धन्य मानते। ऐसे एक दूसरे को बताते थे, दूसरे तीसरे को बताते थे, ऐसे बहुत से वहाँ एक सुंदर साथ एकत्रित होने लगे। जब श्री जी ने और सुंदर साथ ने सुना कि ठट्ठा नगर में कोई एक चिंतामणि नामक महात्मा गद्दीपति रहते हैं और वो कबीर पंथ के अनुयायी है, तब सुंदर साथ ने बोला श्री जी को कि चलो श्री जी, हम वो चिंतामणि को मिले और वो कहाँ तक की किस तरह की वो चर्चा करते हैं, उस चर्चा को हम सुनिए। तब श्री जी सुंदर साथ को लेकर चिंतामणि को मिलते हैं और चिंतामणि श्री जी को मिलते हैं और श्री जी को मिलते ही चिंतामणि अंदर से खूब प्रभावित होते हैं, अंदर से आनंदित होते हैं और सबसे पहले क्या पूछते हैं कि आपको मैं क्या सुनाऊँ, किस विषय पर चर्चा करूँ, हम दोनों मिले हैं तो चलो कोई आत्मज्ञान पर चर्चा हो। इतना नहीं, आपके पास इससे आगे कोई अगाध ज्ञान, कोई और ज्ञान हो तो आप सुनाने का कष्ट करें, ऐसे करो मैं चतुर्भुज, आप जो चाहो तो मैं चतुर्भुज का दर्शन कराऊँ, या इतना नहीं आगे और बोले कि मैं ज्योतिष स्वरूप का दर्शन कराऊँ, या सहस्त्र फेन पर विराजमान नारायण का दर्शन कराऊँ, मैं आपको ये चर्चा सुनाऊँ और आप मेरी चर्चा को सुनिए। तब श्री जी ने जाके बोला कि हाँ, मैं तो आप जैसे ज्ञानी के पास ये चर्चा सुनने के लिए तो आया हूँ और आप ऐसी चर्चा करके मेरे को तृप्त कीजिए कि ऐसी एक आध्यात्मिक ज्ञान की, परम तत्व की कोई सर्वोच्च चर्चा हो कि जिसमें माया और ब्रह्म, क्षीर और नीर, ये दोनों का स्पष्टीकरण करके, निवेड़ करके मेरे को समझाइए। और इतना नहीं, मेरे अंदर आप तृप्ति कीजिए, वो समझाइए, पूरा स्पष्टीकरण करके, ऐसा श्री जी ने बोला। तो तब जाके उसने बोला कि चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराऊँ,
तो चतुर्भुज स्वरूप क्या है सुंदर सात जी, ये हम आगे समझे और उसके बाद ये ज्योतिष स्वरूप और सहस्त्र फेन पर विराजमान ये नारायण स्वरूप क्या है, ये वैदिक मान्यता के अनुसार ये जो बताए गए हैं उसका हम आगे सुने। तो त्रिदेव जो ब्रह्मा विष्णु और महेश इस सृष्टि के प्रारंभ के योगी रह चुके हैं, ये सांकल्पिक सृष्टि के योगी है। वैसे विष्णु भगवान शिव जी को भी ध्यान अवस्था में बताया गया है और विष्णु भगवान को भी माहेश्वर तंत्र और पुराण संहिता में ध्यान अवस्था में ही बताया गया है। तो यहाँ विष्णु भगवान को चार भुजा वाला या ब्रह्मा जी को चार मुख वाला या शिव जी को तीन नेत्र वाला, ये सब आलंकारिक रूपक है, यथार्थ में वो वास्तविकता वो सत्य नहीं है। जब ये सृष्टि की पहले सृष्टि क्रिएट हुई बनी, फिर बाद में सृष्टि की जैसे वृद्धि होती गई, जनसंख्या बढ़ती गई, तो आसुरी लोगों की प्रवृत्ति भी बढ़ती गई। आसुरी लोगों की प्रवृत्ति जो बढ़ती गई, उससे रक्षा करने के लिए विष्णु भगवान को उसकी सेवा सौंपी। तो विष्णु भगवान ने शंख मतलब ज्ञान का प्रतीक, चक्र संगठन का प्रतीक, गद्य शक्ति का प्रतीक और पद्म ऐश्वर्य का प्रतीक, ये चारों से उसने सृष्टि के जीवों की रक्षा की। तो ये चार कोई चतुर्भुजा नहीं है, हाथ नहीं है, लेकिन चारों शक्तियों के द्वारा ये सृष्टि की रचना की गई। और योग दर्शन का एक कथन है कि मूर्धान्य ज्योति सिद्ध दर्शनम, मूर्धा ज्योति में संयम करने से सिद्ध महापुरुष योगी गण सृष्टि के प्रारंभ के उसका दर्शन किया जाता है। वैसे वेदों में भी सहस्र सिसा करके भी बताया है, तो उसका भाव क्या है कि ये पौराणिक कथाकारों ने या पौराणिक विद्वानों ने एक हजार फण वाले कोई एक सर्प की कल्पना कर ली, लेकिन कोई हजार फण वाले कोई सर्प नहीं है, ये तो एक कल्पना है। शेष कहते हैं शून्य को, शून्य कहते हैं निराकार मोह सागर को, ये मोह सागर में से ही तो नारायण पैदा हुए हैं, मोह सागर में से तो नारायण पैदा हुए हैं। और नारायण की जो सृष्टि में जो उसकी जो ये सत्ता चल रही है सब उसके ही अंतर्गत है, इसलिए उसको सहस्त्र सिसा करके बताया गया है। और आगे पौराणिकों ने क्या बोला कि ये जो सहस्त्र फेण पे जो शेषना की उस पर ये पृथ्वी टिकी हुई है, कैसे एक सरसों के दाने के समान। तो ये विज्ञान तो ये बताता है कि पृथ्वी से 13 लाख गुना ये सूर्य बड़ा है और उससे भी बड़े कई तारे भी है, तो और नक्षत्र है सूर्य चंद्रमा नक्षत्र। तो जब ये सरसों के दाने के समान पृथ्वी एक फन पर टिकी हुई है, तो ये इससे बड़े जो सूर्य है और सूर्य से बड़े तारे नक्षत्र वो सब कहाँ पर रहेंगे। तो ये सब काल्पनिक और पौराणिक कथाएं हैं सुंदर सात जी। और उससे आगे क्या बताया कि जो निराकारवादी मान्यता वाले लोग हैं उसको एक नारायण को ही ज्योति स्वरूप मानते हैं। और उसके आगे बोला कि मैं आपको झिलमिल ज्योति का दर्शन कराऊं। किसका? झिलमिल ज्योति। झिलमिल ज्योति किसको कहते हैं? तो बताया कि पांच जो ब्रह्मांड या शब्द है, क्या? निरंजन ओहम सो, निरंजन ओम सोहम शक्ति और ररम। ररम की साधना से ये ज्योति स्वरूप का दर्शन होता है। और उसके बाद त्रिकुटी में संयम करने से आगे ज्योति स्वरूप और 10 अनहद नाद भी सुनाई देते हैं, ताल मृदंग झांझ वीणा सहनाई
कि किरण, बादल, ये सब 10 प्रकार के अनहद नाद भी सुनाई देते हैं। तो यहाँ जब ये बताया किसने, ये चिंतामणि ने श्री जी को, कि ये झिलमिल ज्योति, अनहद नाद और चार भुजा वाले विष्णु भगवान की और सहस्त्र फेन वाले ये शेष नाग पर जो नारायण टिके हुए हैं, ये बात आगे बढ़ाई और आगे और प्रसंग में श्री जी ने बोला कि हे चिंतामणि, हम जो वस्त्र लेने आए हैं वो वस्त्र आप दो। मैं तो आत्मज्ञान की, परम तत्व की चर्चा सुनने के लिए आया हूँ, सर्वोच्च ज्ञान सुनने के लिए मैं आया हूँ। तब जाके चिंतामणि ने एक कबीर की साखी पर चर्चा की। वो साखी क्या है? कोड़ी से हीरा भया, हीरा से भया लाल, आधा भक्त कबीर है पूरा भक्त कमाल। लेकिन उससे पहले, ध्यान से, उससे पहले श्री जी ने एक जोश में कबीर के, वो क्या, ये चिंतामणि जो है कबीर के शिष्य, उस चिंतामणि का चित्त मोड़ने के लिए जोश में जो वाणी बोली तो उसका चित्त पूरी तरह उधर की ओर मोड़ गया। और बाद में इस साखी पर श्री जी और चिंतामणि की बहुत गहन चर्चा हुई। पहले ये चिंतामणि इस चौपाई पर, इस साखी पर चर्चा करेंगे। क्या बताया? कोड़ी से हीरा भया। तो यहाँ कोड़ी का भाव क्या लिया गया? कबीर के माता पिता कोड़ी के समान है, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान से रहित है, और उसके पुत्र कबीर हीरा के समान है, और उसके कबीर के पुत्र कमाल तो उससे भी अधिक मूल्यवान माणिक के समान है। ये सुन के श्री जी के अंदर, तो अभी थोड़ा सुनेंगे, आगे श्री जी बोलेंगे, ये सुन के श्री जी के अंदर एक जोश आने लगा। और आगे इस चर्चा पर, इस प्रसंग पर जब चर्चा की और श्री जी ने बोला कि तुम आधा भक्त कबीर को कह रहे हो और पूरा भक्त कमाल को कहते हो, तुमने तो कबीर कौन है और कमाल कौन है उसी के बारे में जाना ही नहीं है, क्योंकि कबीर की पहुंच तो अक्षर की पंच वासनाओं में है, वो तो परम परब्रह्म की तरह परब्रह्म के पूर्ण भक्त है। हाँ, उसने गृहस्थी जीवन में रहते हुए थोड़े कर्तव्य निभा रहे तो परब्रह्म की ओर पूरे भक्त है, लेकिन माया के अंदर वो कर्तव्य निभा रहे तो आधे भक्त वो माया के है, लेकिन पूर्ण भक्त तो परब्रह्म की ओर है। तुमने ये बात को नहीं समझा है। तो एक प्रसंग को लेकर समझाई गई है कि एक बार कबीर की ये चौपाई जो ये दोहा बोला, उस दोहे से एक बात को समझाया कि किस बात को, कि एक बार कबीर घर में नहीं थे, उसकी अनुपस्थिति में कोई बाहर से कितनी धन संपत्ति लेकर कबीर के घर में रख दिया, और तभी घर में कबीर जी नहीं थे, उसकी पत्नी लोई और कमाल थे। उसने कबीर की अभी उपस्थिति, अभी आए नहीं थे, उससे पहले वो धन को घर में छिपा दिया, बताया नहीं। थोड़ी देर में शाम हुई और शाम के समय कबीर जी जब घर में आए तो उसने सारे धन को देखा और सीधे ही बोले कि जल्दी से इस धन को बाहर निकालो, जहाँ धन संपत्ति है वहाँ कबीर नहीं रहेगा, जहाँ कबीर है वहाँ संपत्ति नहीं रहेगी। तो पूरी रात और तक ये विवाद चलता रहा, ये मान नहीं रहे थे कमाल, लेकिन सुबह को कबीर के कहने पर पूरी धन संपत्ति उसने बाहर रास्ते पर उसके पुत्र ने, कमाल ने फेंक दी। तो पड़ोसी लोगों ने देखा
तो उसने क्या मान लिया कि देखो कबीर तो ठीक है, वो भक्त तो है, इस सेवा भक्ति तो करते, लेकिन उससे एक दो कदम और आगे कमाल है। अभी तक तो कबीर तो ये छिपा रहे थे कि मैं तो गरीब हूँ, हमारे घर में कहाँ धन संपत्ति, आज उस घर से इतनी धन संपत्ति उसके पुत्र कमाल बाहर फेंक रहे, तो उससे आगे कमाल है। तो उसी बात को लेकर एक ये सुंदर साजी ये प्रसंग बनाया गया, एक पूरा उदाहरण बनाया गया कि देखो कबीर से भी आगे कमाल है। तब श्री जी ने जाके एकदम अंदर आवेश में जोश में आके बोला कि तुम कबीर को क्या समझो, मैं कबीर के किरंतन आपको सुनाता हूँ, आप सुनिए, मैं कबीर का किरंतन सुनाता हूँ, आप सुनिए, कबीर की पहुँच कहाँ तक है। और कमाल तो एक जीव सृष्टि के माया के जीव है, वो तो पूरा माया का भक्त है, और कबीर तो परब्रह्म के परम भक्त है। तो यहाँ आगे एक कबीर का किरंतन सुनाया श्री जी ने। एक पलक से गंगजो निक्षी हो गया चौदिस पानी, उन पानी से दो पर्वत ढपे दरिया लहर समानी, उड़ मक्खी तरवर पर बैठी बोलत अमृतवाणी, उन मक्खी को मक्खा नहीं बिन पानी गर्भानी, तीन गर्भे गुण तीनों जाए वो पुरुष अकेला, कबीर कहे वो पद को बूझे सो सतगुरु में चेला। क्या बोला, एक पलक से गंगजो निकसी। सुनिए सुंदर साजी ध्यान से श्री जी समझा रहे, क्योंकि कबीर की भी पहुंच बेहद तक है, अव्याकृत तक रही, सबने सबली को अक्षर मान लिया, केवल ब्रह्म को अक्षरातीत मान लिया, उसके आगे कोई पहुंच नहीं पाया, तो परम धाम की कैसे उसको पता कि क्या है। क्योंकि जो जिस बेहद में ये जो ये हंसों हंस मतलब बेहद में पहुंचने वाले उसकी जो लीला हो रही है उसको नहीं उसको कैसे पता लगे, जिसकी लीला हो रही है उसको उसका प्रियतम भी कौन है, अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म है ना बेहद में, तो अक्षर ब्रह्म को भी अक्षरातीत के माहौल में क्या इश्क की और आनंद की लीला चल रही है, ये अक्षर को भी शुद्ध नहीं, तो अक्षर के बेहद में ये हंस अवस्था में जो ये जीव पहुँचे है उसको कैसे पता। तो यहाँ एक पलक से गंगजो निकसी हो गए चौदिस पानी, अक्षरातीत सत चिद और आनंद के स्वरूप है। कैसे है अक्षरातीत, सत चिद और आनंद के स्वरूप है। ये माया कैसी है, असत जड़ और दुखमय है, और अक्षरातीत की लीला चिदगन शक्ति की लीला प्रेम और आनंद से संपादित होती है, और चिदगन शक्ति ने दिल में लिया तो जो आनंद और प्रेम की लीला से जो संपादित होती है परमधाम की लीला प्रेम और आनंद से, ये दो अक्षरातीत की पलके कही गई है। यहां अक्षरातीत ने क्या दिल में लिया, मेहर का दरिया दिल में लिया तो रूहों को खेल देखन का उपजिया ख्याल। राज जी ने दिल में लिया कि अक्षर ब्रह्म ऐसे जो मायावी ये कैसा खेल बनाते हैं, ये खेल देखने की इच्छा प्रेम और आनंद की लीला करने वाली श्यामा जी और सखियों के दिल में इच्छा जो अंदर रखनी थी वो इच्छा पहले राज्जी के दिल में पैदा हुई, और राज्जी के दिल में जब पहले लई हक के दिल में ता पीछे आए माहे नूर, तो पहले राज्जी ने जो दिल में लिया
तो परमधाम पूरा वाहदत्तमय है, तो पूरा परमधाम में ये बात फैल गई। जैसे ही फैली तो श्यामा जी और सखियों को ये अक्षर के खेल देखने की इच्छा पैदा हुई और अक्षर को प्रेम और आनंद की लीला देखने की इच्छा हुई। ऐसा क्यों हुआ सुंदर साथ जी? क्योंकि राज्य सब श्यामा जी और सब सखियों को अपने दिल में डुबोकर अपनी पूर्ण पहचान मार्फत की पहचान देना चाहते थे। वो दरिया है और इच्छा रूपी गंगा क्या है? तो जो राज्य ने दिल में इच्छा की और अक्षर और श्यामा जी और सखियों के दिल में जो इच्छा पैदा हुई वो गंगा है। तो राज्य के दिल रूपी सागर में ये इच्छा रूपी गंगा प्रवेश कर गई और ये खेल का कारण बना। और इस खेल में आना हुआ तो क्या बोला, एक पलक से गंगजोनिक सी हुआ 24 पानी मतलब फैल गई। इन पानी से दो पर्वत ढपे, सखिया और श्यामा जी ये सब ढक गए और ये दोनों अक्षर ये सबको ये खेल ने अंदर आना हुआ। दरिया लहर समानी उडमक्खी, एक पलक से गंगजोनिक्षी हुआ 24 पानी, इन पानी से दो पर्वत ढपे दरिया लहर समानी उडमक्खी तरवर पर बैठी। मक्खी कौन सी है? राज्य के आदेश हुक्म रूपी मक्खी। राज्य के आदेश हुक्म रूपी मक्खी इस संसार रूपी वृक्ष पर बैठकर कई धर्म शास्त्रों में अपनी साक्षियां लिखवाई। उन मक्खी को मक्खा नहीं मतलब परब्रह्म, जिस आदेश कोई परब्रह्म ने किया हो, ये आदेश ही परब्रह्म के मतलब हुक्म ही है, तो उस परब्रह्म के ऊपर कोई थोड़ी सर्वोच्च सत्ता है, सर्वोच्च सत्ता ही परब्रह्म अक्षरातीत के हाथ में है, तो उस पर कोई सत्ता करने वाला नहीं है। मतलब क्या बताया, उन मक्खी को मक्खा नहीं, जो आदेश करने वाली शक्ति है उसी पर कोई अधिकार करने वाला मतलब उसी पर कोई सत्ता चलाने वाला नहीं है, तो भी इस सृष्टि ने गर्भ धारण कर लिया। सामान्य रूप से मक्खी को मक्खा हो तभी तो सृष्टि क्रिएट होती है, मतलब तभी तो संतानें पैदा होती है। तो यहाँ एक रूपक के माध्यम से ये किरणतन के माध्यम से समझाया और आगे बताया, इन मक्खी को मखन बिन पानी गर्भानी, तीन गर्भे गुण तीनों जाए, ये प्रकृति में तीनों गुण सतो रजो और तमो, ये तीनों गुण पुत्र के रूप में यहाँ सुंदर सात जी ये तीनों गुण से मूल प्रकृति से ये प्रकृति की रचना हुई। निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र जाकी इच्छा मूल प्रकृति से इस मोह सागर से ये प्रकृति की रचना हुई। और तो भी परब्रह्म तो इससे पूर्णतया अलग है, माया कभी भी राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती, राज्य तो इस नश्वर जगत से परे है। वो पुरुष अकेला कबीर कहे वो पद को बूझे सो सतगुरु में चेला। यहाँ कबीर साहब ने क्या कहा था इस किरणतन में कि ये पद को जो कोई खोल कर स्पष्टीकरण कर बताएंगे वो मेरे कौन होगे, सतगुरु होगे, मैं उसके शिष्य मैं उसका चेला होगा। तो यहाँ जैसे ही श्री जी ने ये किरणतन सुनाया उसका पूरा स्पष्टीकरण करके बताया, तब चिंतामणि ने उस सेवकों की तरफ दृष्टि करते हुए बोला कि देखो, शिष्यों को बोला कि देखो ये शब्द तो निराकार के आगे के है, कहाँ के है, ये हद ब्रह्मांड के नहीं है, ये तो निराकार के आगे के है। आप देखिए जो मैं हमारे सदगुरु ने कहा था ने कि यही जो परब्रह्म स्वरूप आखिर में आएंगे और जो ये साखी को स्पष्टीकरण करके ये किरणतन का खुलासा करके बताएंगे वही तुम्हारे परब्रह्म सदगुरु स्वरूप में होगे, तो यही है, ये तो अखंड धाम की बात कर रहे हैं। देखो शिष्यों, ऐसे ही सुंदर साथ जी जब चिंतामणि अपने शिष्यों को
बताने लगे और बात करने लगे, तब श्री जी वहाँ से उठकर अपने निवास स्थान पर आए। और दूसरे दिन एक कल्लू मिश्र नामक एक कथाकार भी ठट्ठा नगर में रहते थे, वहाँ जाते हैं, वो पौराणिक कथाकार थे, पुराणों की कथा करते थे। वहाँ किसी का मन नहीं लगा, कोई अंदर से स्पर्श ही नहीं हुआ, शब्दों का संबंध ही नहीं जुड़ा, तो वहाँ से भी वो निकल गए। और यहाँ चिंतामणि विचारने लगे कि ओ, जिसकी मैं चर्चा सुन रहा था, कैसी चर्चा थी, कोई अलौकिक अद्भुत ज्ञान में सुन रहा था वो महात्मा, वो आज तो पहचान है, अभी पूर्ण पहचान आगे होगी इस प्रकरण में, तो वो कहाँ चले गए। आगे ये प्रकरण में बताएंगे वो कहाँ चले गए। बस अंदर से सुंदर साथ जी एक जिज्ञासा जगी और खोजते खोजते कि जिसने मेरे को कल ये अवलोकिक ज्ञान सुनाया था, मैं उसके बिना रह ही नहीं पा रहा हूँ, वो कहाँ गए। खोजते खोजते कल्लू मिश्र के घर पहुँचे, वहाँ जाके उसको पूछा कि श्री जी का निवास स्थान कहाँ है। कल्लू मिश्र को यह भी बताया कि मैं उसको खोजते खोजते पूरी रात बिता दी है, मेरे को जल्दी से बताइए, देखो ज्ञान की कितनी प्यास है उसके अंदर, कितनी तड़फ है। क्या हमारे अंदर ये जगी, अभी पूर्ण रूप से तो आगे जगेंगे, अभी देखो। तब कल्लू मिश्र ने बताया कि नाथा जोशी के घर पर ठहरे हैं, आप वहाँ जाइए। तब सीधे ही चिंतामणि नाथा जोशी के घर पे पहुँचते हैं, वहाँ ऊपर अटारी में पहली मंजिल में श्री जी चर्चा कर रहे थे और वहां जाके, अभी तो चिंतामणि अकेला नहीं है, सब शिष्यों को लेकर गए हैं, सब वहां जाके बैठ जाते हैं और आंख बंद कर आत्म चक्षुओं से इतना मन केंद्रित करके इतना ध्यान से चर्चा सुनने लगते हैं। सुंदरसा जी किसको ये पद्धति बता रहे हैं, चर्चा कैसी सुननी चाहिए, बच्चों इधर उधर दृष्टि करके क्या चर्चा कैसे सुननी चाहिए, आदित्य इधर दृष्टि करके, कोई कुछ और वहाँ है सुख क्या, यहाँ से आगे एक और सुख है क्या, यहाँ से विशेष सुख है बाहर, सबको बोल रही बच्चों ध्यान यहां रखो। कैसे एकाग्र मन से चर्चा सुनने लगे, आंख बंद कर इतना तन्मय एकाग्र होकर, और सब शिष्यों को भी सावधान कर दिया कि देखो ये परब्रह्म स्वरूप यही कोई महान अलौकिक महापुरुष है, उसकी चर्चा सुनिए। उसको तो अभी बताया जा रहा है, हमको तो पता ही लग गया राज जी है, समझ में आया, उसको तो बताया जा रहा है कि देखो ये, हमको तो पूरी पहचान ज्ञान से हो, स्वरूप से नहीं, ध्यान से, ज्ञान से पहचान हुई है दीदी, स्वरूप से नहीं, समझ में आया, वाणी के ज्ञान से पहचान हुई है, स्वरूप से अभी थोड़ी हमने देखा है राज जी को। तब जाके सब एकाग्र होकर बैठ गए और सब चर्चा सुनने लगे। श्री जी वहाँ कैसे चर्चा करते होगे, बस अभी अब घड़ी इसी पल याद आया, परिक्रमा ग्रंथ की या कोई भी प्रकरण के ले लो, अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख होशी सबन, पसरसी चौदे भवन।
अब लीला हम जाहिर करें। यहाँ श्री जी चिंतामणि के सामने क्या चर्चा कर रहे हैं कि हे चिंतामणि, अब मैं ये लीला जाहिर करने, हे सुंदर साथ जी, अब मैं ये लीला जाहिर करने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। क्या लीला? सबको बता रहा, अभी हमको, तभी चिंतामणि को, ठीक है। क्या लीला? अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख संया हृदय धरे, जो परम धाम की ब्रह्मात्मा होगी वो अपने हृदय में धारण करेगी। बस जो सुख संया हृदय धरे, पीछे सुख ओशी शबन, ब्रह्मात्मा तो अभी ये सुख को ले लेगी, बाद में तो पूरा संसार में ये वाणी प्रसर जाएगी, लेकिन ब्रह्मसृष्टि उस रस को पहले पिएगी, ये अच्छुता रस को, ये प्रेम को पहले पिएगी, बाद में तो सब स्पर्श करेंगे, बाद में तो सब संसार के जीव, कोरे में से कोरे भी जीव पिएंगे। पहला तो आपको ये अवसर दिया, मतलब आपका अधिकार है, अवसर नहीं, आपका अधिकार है। राज्य पर किसका अधिकार पहले होता है, जीव ईश्वरी या ब्रह्म का? हमारा होता ने, ब्रह्म क्यों बोले, ब्रह्म कोई दूसरी है क्या? किसका होता है हमारे पति पर अधिकार? किसका होता है? हमारा। उसका रस कौन पहले पिएंगे? ब्रह्म सृष्टि हम पिएंगे। हमको तो भूले ही मत 28 तक, जब तक ये समाप्ति न हो तब तक भूलना ही नहीं है। चिंतामणि तन्मय होकर चर्चा सुनने लगे। कैसे चर्चा सुननी चाहिए? ऐसे ही एकाग्र होकर। सी जी चर्चा सुना रहे पचरसी चौदह भवन, बाद में तो पूरे संसार में ये फैल जाएगी ये बात, ये अखंड ब्रह्म ज्ञान की। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाके सब दुनी राह देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत। जो सत ब्रह्मात्मा आई है ये पूरे संसार को मुक्ति देगी। तो यहाँ चिंतामणि ने ये चर्चा सुनी श्री जी के मुख से, और शहर के लोग भी श्री जी के दर्शन करने के लिए आने लगे, चर्चा भी अवलोकिक ज्ञान की सुनने लगे। इतना नहीं, श्री जी को धन्यवाद देते हुए बोलने लगे कि परब्रह्म की विशेष कृपा से ये चर्चा सुनने को मिल रही है, और आसपास चिंतामणि के आसपास और शिष्य भी उसके बैठे थे। उस दिल में ध्यान से, उस दिल में ये आभास हो चुका था। क्या आभास? कि अरे ये श्री जी तो कोई परम तत्व, पर ब्रह्म, परम धाम की बात कर रहे हैं। बताया ने? अभी मैं चौपाई नहीं बताई, तो इस चौपाई के माध्यम से जब ये चर्चा चिंतामणि ने सुनी, तो यहां उसको लगा कि हमारे गुरु की अपेक्षा इस श्री जी के अंदर तो बहुत सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान कोई ऊंचे स्तर का है। तो ये शिष्यों के अंदर भी खलबली मच गई। फिर जाके चिंतामणि ने चर्चा जब पूर्ण हुई श्री जी की, तो चिंतामणि श्री जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और बोले कि तुम ही मेरे पर ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ही मेरे सर्वे सर्वा हो, तुम ही सर्वशक्ति मान हो, और मैं आज से मेरा अपना तन मन जीव आत्मा स्वरूप से मैं अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। और सब शिष्यों को भी बोला कि तुम भी समर्पित हो जाओ। और उसके बाद श्री जी ने उसके अंदर कुछ देखा, तो श्री जी ने चिंतामणि की खंडनी कर दी सब शिष्यों के बीच में। तब चिंतामणि ने जाके श्री जी को क्या बोला कि श्री जी आप मेरी सब शिष्यों के बीच में खंडनी मत कीजिए, आप अकेले जो भी करना हो, खंडनी करनी या चाटा मारना हो तो भी अकेले मारिए, लेकिन इतने शिष्यों के बीच
मैं जो गद्दीपति हूँ, ये सबके गुरु हूँ, तो मेरी क्या कीमत रहेगी, क्या मूल्य रहेगा? आप सबके बीच में मेरी खंडनी मत कीजिए। तब श्री जी ने क्या बोला कि हे चिंतामणि, मैं क्यों तुम्हारी खंडनी सबके बीच में करूं? मैं आपकी मर्यादा रख कर ही खंडनी तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन मर्यादा रख के ही करूंगा। कैसे? एक मरम में, एक पर्दे की ओट में मैं आपकी खंडनी करूंगा। और उसके बाद क्या लीला हुई कि जो मैं आपकी खंडनी करके आपको नहीं समझाऊंगा तो तेरे को आकार कैसे, श्री जी अंदर क्या सोच रहे कि तेरे को आकार कैसे मिलेगा? मतलब एक मिट्टी है, पैरों से रौंदी जाती है ना मिट्टी को, फिर उससे क्या बनता है? घड़ा। ठीक है, उसको आकार देने के लिए चाक पर नहीं चढ़ाया जाता तो क्या घड़ा का आकार बनता? नहीं बनता ने। उसमें क्या कुम्हार करते, अंदर हाथ रख के ऊपर से टपले मारते रहते हैं ना, तब घड़े का पूरा आकार हो जाता है। यहाँ भी चिंतामणि को श्री जी ने समझाया कि भाई मैं सबके बीच में आपकी मर्यादा रख के लेकिन खंडनी तो करूँगा, तो आकार तो देना ही है, नहीं तो जीव कैसे परिपक्व होगा, कैसे इस स्तर पर की पहचान करेगा? तो यहाँ श्री जी ने इतना बोला। और उसके बाद रात को एक किरणतन उतरता है। क्या किरणतन उतरता है? सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे, कहो एक बात समझाए, सुनो रे सत के मंजारे, सुनो रे सत के मंजारे, आटी आन के फांसी लगाई, आटी आन के फांसी लगाई, भूयू भी उलटिए दई उलटाई, हो भी उलटिए दई उलटाई, सुनो रे सत के बंजारे, लोक लाज मर ज्यादा छोड़ी, तब ज्ञान पदवी पाई, तब ज्ञान पदवी पाई, एक आग जो छोटी बुझाई, त्यों दूजी मोटी लगाई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। यहाँ क्या बताया कि हे सत्य की राह पर चलने वाली ब्रह्मात्माओं को बोला, व्यापारियों मतलब ब्रह्मात्मा, सत्य का व्यापार करने के लिए हम इस संसार में आए, तो तुम सुनो और उसका सार तत्व ग्रहण करो। क्या कि संसार कैसा है उसकी वास्तविकता का भी पता बताया। एक तृष्णा रूपी गले में जो फांसी लगाई है, और इतना नहीं एक मौत रूपी जो रस्सी से बांधकर और उल्टा टांगा कैसे गया है, उल्टा टांगा गया कैसे? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष ऐसे कई बंधनों से बांधा भी गया है। इस संसार में आप बंधे हुए हो, और आगे की चौपाई में समय साथ नहीं दे रहा है, कितना स्पष्टीकरण करे और कितना छोड़े। और आगे की चौपाई में बताया, यहाँ तो चिंतामणि को प्रबोधित करते हुए अभी किसको उपदेश दे रहे हैं? इस संसार में जो आज बड़े बड़े कोई गद्दीपति, कोई मठाधीश, कोई आचार्य विद्वान जो अपने अहंकार लेके, क्या अहंकार,
ज्ञान का अहंकार लेके बैठे हैं उसको समझाने के लिए ये किरणतन उतरे। तो यहाँ हम सबको इस प्रकरण के माध्यम से, इस किरणतन के माध्यम से समझा रहे धामधनी कि सुंदर साची, आपके अंदर जितने भी ज्ञान की उपलब्धियाँ या और कोई निधियाँ आ जाए, लेकिन इतना भी अहंकार, सूक्ष्म अस्मिता जितना भी अहंकार लेना नहीं है। आगे बताया कि लोक लाज मर्यादा छोड़ी तब ज्ञान की पदवी पाई। तुमने गृहस्थी जीवन की या छोटी आगत को तो बुझा दिया और लोक लाज मर्यादा की जो शर्म रहती थी, चलो ये तो सब छोड़ दिया, लेकिन यहाँ आके गद्दीपति एक मठाधीश बनकर बड़ी आज्ञा मान की, प्रतिष्ठा की, शिष्यों की भीड़ एकत्रित करने की, ऐसी आग में आप जल रहे हो तो ये अहंकार को आप छोड़ दो। मैंने परसों भी बताया था, शायद कल भी बताया था कि किसी के अंदर धन का नशा है, किसी के अंदर रूप का नशा है, किसी के अंदर सौंदर्य का नशा है, किसी के अंदर कई कई प्रकार के हमारे अंदर नशे है। सुंदर साची, हमारा कुछ नहीं है इस संसार में, ये बॉडी, ये शरीर भी हमारा नहीं है, हमारी सिर्फ बस हम एक आत्मा के स्वरूप है। बस ये भाव लेकर इस संसार को पीठ देकर बस धनी की ओर मोड़ना है। या चिंता रात को किरणतन उतरा, सुबह जब चिंतामणि आए उसने ये किरणतन को पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसको पता चल गया और मन ही मन सोचने लगे कि अरे मैंने इतना बड़ा, मैं अहंकार लेकर मैं कितना बड़ा अपराध कर रहा था गद्दीपति बनकर। मेरे अंदर ये काले कुत्ते रूपी अहंकार है, हे श्री जी, बस ये काले कुत्ते रूपी अहंकार को मैं आपकी ज्ञान रूपी लाठी से बस मार डालूंगा, पर आपके चरण कमल मेरे को प्राप्त हो। और श्री जी ने बोला, शाबाश चिंतामणि, शाबाश, तुम परम धाम की आत्मा हो, तेरे अंदर परम धाम की निस्बत है, इसलिए तो तूने सामने स्वीकार किया। हम तो क्या करते हैं, बोलते तो रोज अवगुण काढ़े, आप बोलिए आगे गुण ग्रह है, हारे से वो जीत रोज बोले, लेकिन अवगुण को हम बताते नहीं, ढकते हैं, क्या करते हैं, ढकते हैं, बताते नहीं, छिपाते हैं अंदर ऐसे विकारों को, अहंकार, घृणा, द्वेष, कई काम, क्रोध की कितनी अग्नि। रास ग्रंथ की पहली चौपाई में बताया ने कि हवे पहला मोह जल की कहु बात, तीता दिन रूपी दुख, हवे पहला मोहजल की कहु बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल बले कई भात, तेनी केटली कहु विख्यात। बिना सुंदर साची माचिस इसलिए के बिना हमारे अंदर काम की, क्रोध की, लोभ की, अहंकार की जो अग्नि जल रही है, उसको किसी ने नहीं छोड़ा है, उसने किसी को नहीं छोड़ा है, चाहे साधु हो, संत हो, तपस्वी हो, महापुरुष हो, मतलब भगवान हो, अवतार हो, किसी को नहीं छोड़ा है, सबको घेर लिया है। जितना हम अंदर से छिपाते जाएंगे इतना हमारे अंदर नुकसान होता जाएगा। हम धनी की ज्ञान और प्रेम की राह पर और ध्यान की राह पर हम नहीं चल पाएंगे। सुंदर साथ जी, आगे चिंतामणि का प्रसंग, चिंतामणि ने क्या बोला कि बस मेरे अंदर जो अहंकार रूपी कुत्ता था, श्री जी आपकी कृपा से ये दूर हो गया। और श्री जी ने चार नियमों का प्रण दिया, और क्या क्या चार नियम है, एक तो पहले मांस नहीं खाना, दूसरा शराब नहीं पीना, तीसरा
पर स्त्री ग्रमण, दूसरी स्त्री पर कुदृष्टि नहीं करना, और चौथा चोरी नहीं करना और झूठ नहीं बोलना। चिंतामणि सहित सब शिष्यों ने ये श्री जी की बात, ये चारों नियमों का स्वीकार किया, प्रण ले लिया और श्री जी के चरणों में प्रणाम किया और क्या बोले कि श्री जी हम जीवन भर ये खाद्य पदार्थों का कभी भी सेवन नहीं करेंगे, बस हमने प्रण ले लिया क्योंकि खोटा सांटे साचू मले छे एवी मली छे आ बाजार। ये जूठ त्यागा तो सत्य पाया, तो ये तो हमने, ये तो हमारा सस्ता सौदा है। तब जाके चिंतामणि ने अपने शिष्यों की ओर नजर करके बोला कि सत्य चाहो तो शब्दा चिन्ह हो। देखो जो आपको सत्य पाना है ने, तो इस शब्दों को ओलखो। और सब शिष्यों के साथ सुंदर सा जी चिंतामणि श्री जी के चरणों में समर्पित हो गए। और आगे और प्रसंग हम बढ़ाए तो कौन तीसरा आता है, अभी लालदास जी बाकी है ने, चिंतामणि का पूर्ण हुआ, लालदास जी का प्रसंग पूर्ण करके हम चर्चा को पूर्ण करेंगे। यहाँ 10 मिनट आगे अशोक बढ़ाते, लालदास जी का इसी में प्रकरण में रह जाता, ठीक है, तो इस प्रकरण पूरा करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ठठा नगर में यही चर्चा में एक चतुरा पुष्करण नामक एक ब्राह्मण भी आते थे। वो श्री जी की चर्चा में रोज आया करते थे और लालदास जी को भी वो मिलते थे, कहाँ, उसकी गोदाम में। तो चतुरा पुष्करण ब्राह्मण रोज श्री जी की अखंड ब्रज और रास की चर्चा सुनते थे। और गोदाम में जाके लक्ष्मण सेठ, जिसका नाम बाद में लालदास जी होगा, उसको सुनाया करते थे और बोलते थे कि आप तो रोज भागवत की चर्चा, क्योंकि लालदास जी को भी भागवत पुराणों का ज्ञान था, उसको बताने लगे ये चतुरा कि तुम ब्रज और रास की बात तो करते हो कि ये अखंड है, ब्रज और रास की लीला अखंड है, तो है तो कहाँ पर है कि यहाँ के जो यूपी के गोकुल मथुरा में जो ब्रज की लीला हुई और यहाँ के जो राधा वल्लभी मार्ग वाले ये निधिवन को एक रास की लीला का स्थान मानते हैं, तो क्या यहाँ पर है, इस ब्रह्मांड में है, और कहाँ पर है। तब लालदास जी ने क्या बोला कि ये दृष्टि से नहीं दिखाई देगा, ये तो त्रिगुणातीत लीला है, ये त्रिगुणात्मक नेत्र से नहीं दिखाई देगा। तब चतुरा ने बोला कि आप दिव्य दृष्टि कब पाओगे, आप ये अखंड व्रज और रास का सुख कब ले पाओगे, आपको कब यह दिव्य दृष्टि मिलेगी, क्योंकि उसकी चर्चा सुने बिना, उसका स्थान प्राप्त किए बिना तो आपको कोई अखंड स्थान मिलेगा ही नहीं। तब जाके उसके अंदर एक जिज्ञासा जगी कि भाई ये ऐसी अवलौकिक चर्चा तुम कहां से सुनते हो। तब चतुरा पुष्करण ने बताया कि मैं यहाँ एक जो ठठा नगर में एक महात्मा आया है, वो अवलौकिक ज्ञान की ऐसी अद्भुत चर्चा करते हैं, वहाँ रोज क्या लेके जाते थे, दूध, दूध की सेवा श्री जी की रोज ये चतुरा पुष्करण करते थे, मैं उसके पास ये चर्चा सुनता हूँ। तब जाके लालदास जी ने बोला लक्ष्मण सेठ ने कि मेरे को भी उस महात्मा को मिला और वहाँ जाके मैं भी अपनी आत्मा को धन्य मानूं और ये अखंड व्रज और रास का सुख लूं। तब जाके चतुरा ने बोला कि
कि मैं वैसे नहीं ले जा सकता, पहले मैं श्री जी को पूछ के आऊँ। चतुरा ने श्री जी को पूछा और श्री जी ने बोला, क्या आप लेके आओ। तब वहाँ बहुत से और श्रोता जन बैठे थे, उसने मना कर दिया, विरोधी लोग थे, उसने मना कर दिया, लेकिन मेहर के सागर, कृपा के सागर राज जी ने बोले कि नहीं, जाओ तुम लक्ष्मण सेठ को बुला के लाओ। और लक्ष्मण सेठ श्री जी की चर्चा में आए, मतलब श्री जी को मिलने के लिए चतुरा पुष्कर के साथ वो आए। दोनों मिलते ही, क्योंकि लालदासी के अंदर कौन बैठी थी आत्मा, परमधाम की आसबाई की, दोनों ही मिलकर गले मिले और इतने आनंदित हुए और श्री जी की चर्चा सुनने लगे। पहली बार कितनी देर सुनी, 1.5 घंटे। हम कितने सालों से सुनते आ रहे हैं, समय नहीं है। एक एक प्रसंग पर मैं सोचा था कि बहुत विस्तार से करेंगे, नहीं ले पाएंगे। और फिर 2-3-4 बार आए, बस इतना ही बीतक साहिब में किया है वर्णन कि पहले 1.5 घंटे सुनी, उसके बाद 2-3-4 बार आए और अंदर क्या झलकने लगा, अखंड की शोभा। और रह नहीं पाए, घर पे तो गए, घर पे जाके श्री जी का चरण भुला ही नहीं जा रहा है, बस श्री जी की शोभा, उसकी सुंदरता, उसकी चर्चा। घर तो गए लेकिन उसकी सुरता कहाँ लगी रही। हम यहाँ से चर्चा सुन के जाएंगे, राज्य की चर्चा हो रही है ना, ठीक है, मैं तो नहीं कोई कर रही हूँ, ये वाणी की चर्चा हो रही है ना बीतक साहेब की। कमरे में जाके कितना याद रहेगा, हमारी राज्य के प्रति कितनी लगी रहेगी। थोड़ी देर के बाद क्या हमारे अंदर विचार उठेंगे, चलो अभी फालतू में इधर उधर बेकार का टाइम व्यथित, मतलब व्यर्थ गंवा रहा हूँ, तो चलो थोड़ी देर ध्यान कक्ष में चला जाऊँ, ऐसा विचार आया। किसकी बात है ये, लालदास जी की क्या, कि हमारी, हमारी, ठीक है। गया लालदास जी, गए तो घर पर, लेकिन मन कहाँ लगा रहा है, चित्त कहाँ लगा रहा है, श्री जी के चरणों में। और एक दिन अपने बाग में टहलते थे, तब उसको जिंदा दास माली मिलते हैं। और जिंदा दास जी ने भी देखो, दो व्यक्ति से, एक बार 1.5 घंटे सुनी, 2-3-4 बार गए बस। वैसे तो हम तो सुनते सुनते 30-40-50 साल बीत गए। यहाँ आगे जिंदा दास क्या बताते हैं कि हे लालदास जी, हे लक्ष्मण सेठ, क्या आप जिसकी चर्चा सुनने के लिए जाते हो उसको आपने पहचाना है। तब लक्ष्मण, आप चर्चा सुनने के लिए तो जाते हो, क्या उस स्वरूप की आपको पहचान हुई है। तब लक्ष्मण सेठ ने क्या बोला कि क्या बात करते हो, तो बोले कि जिसकी चर्चा सुनते हो कि उस स्वरूप को पहचाना है। तो मैंने कल भी बताया था सुंदर साहब जी, जानना और मानना और अंदर से पहचानना बहुत आगे की बहुत गहरी चीज है सुंदर साहब जी। यहाँ भी देखो आगे स्वरूप की पहचान की ओर आगे प्रसंग बढ़ रहा है। और जिंदा दास जी ने एक 12वें स्कंद के 9वें अध्याय में एक प्रसंग वर्णित थे, उस प्रसंग के माध्यम से मार्कंड ऋषि का एक दृष्टांत, एक कथा के रूप में जो वर्णित थे वो सुनाया। ये वैसे तो प्रकाश हिंदुस्तानी में भी मार्कंड मुनि का दृष्टांत दिया है। क्या दृष्टांत सुनाया कि एक बार मार्कंड मुनि ने भी किसके पास, नारायण के पास क्या मांगा कि मेरे को तुम्हारे चरणों में ही रहना है और माया भी देखनी है।
तब नारायण ने उसको माया भी दिखाई और जगाया भी नारायण ने। यही प्रसंग को लेकर आगे लालदासी को यहाँ जिंदादासी सुना रहे कि वैसे ही हे लक्ष्मण सेठ, हम परमधाम से इस मायावी खेल देखने के लिए आए, हम भी परमधाम में मूल मिलावे में राज्य के युगल स्वरूप के चरण कमल में हम नूरी तन परात्म तन से बैठे, वहाँ से हमारी आत्मा प्रतिबिंब स्वरूप में ये आत्मा के रूप में इस शरीर पर शरीर के अंदर जीव पर बैठकर इस माया के खेल को देख रही है। बैठी तो वहाँ है और मान लिया क्या इस तन को, यही हमारा शरीर है, यही हमारा असल तन है, यही हमारा घर है, ये अनादिकाल से हम यहाँ रहने वाले हैं, यही हमने मान लिया है और सब कुछ भूल बैठी है। फिर हम ये खेल देखने के लिए आए और हमको जगाने के लिए कौन आए? ये परब्रह्म अक्षरातीत हमारी आत्मा के प्रियतम जगाने के लिए इतना बोला ने सिर्फ, किसने? जिंदादासी ने। तब तो लालदासी के अंदर बैठी हुई आसमाई की आत्मा जागृत, मतलब अंदर जो विस्मृति चीज हो गई, चीज जो विस्मृत हो गई थी उसकी याद ताजी हुई और उसको मूल मिलावे की झलक मिल गई। ये मूल मिलावा आपना नजर दीजे पलकन पीछे फेरिए जो ईशक अंग उपजता साथ जी जागिए सूरत एके राखिए मूल मिलावा माई श्याम श्यामा जी साथ जी तले भोम बैठे जा ही साथ जी जागिए। सीधे मूल मिलावे में परात्म में अपनी नजर पहुंच गई और आगे दृष्टांत को सुनाया जो 12वें स्कंद के 9वें अध्याय का ये प्रसंग वर्णित है। इसमें बताया है क्या कि एक बार मार्कंड मुनि पुष्पभद्रा नदी के तट पर ध्यान में तल्लीन थे। जैसे ध्यान में तल्लीन हुए अपने को एक जल में विलीन होते हुए देखा, ये पृथ्वी भी जल में विलीन हो रही है, पूरा संसार जल में विलीन हो रहा है और वो भी स्वयं बहुत समय तक जल में ही विलीन हो रहे, ऐसा उसको अंदर दिखाई देने लगा। थोड़ी देर में उसको एक बरगद के पेड़ पर छोटे से शिशु, बरगद के पेड़ के पत्ते पर छोटे से शिशु को लेटे हुए देखा। उस शिशु ने जैसे ही श्वास लिया, ये किस में देख रहे ध्यान के अंदर, जैसे ही श्वास लिया कि शिशु के पेट के अंदर कौन चले गए? ये मार्कंड मुनि। और अंदर जाके देखा तो पूरी जो सृष्टि जल के विलीन होने ने पहले जो थी वैसा ही पूरा दृश्य दिखाई दिया। फिर उसने श्वास को बाहर फेंका, तब वो फिर जैसे जल में फिर विलीन थी वही दृश्य दिखाई देने लगा। तो इस प्रसंग के माध्यम से सुंदर साथ जी राज जी ने क्या समझाया कि जैसे ही मार्कंड मुनि की आंख खुली ध्यान से तो देखा कि मैं तो यहाँ ही इस तट पर ही बस चंदन ही घिस रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ और इतनी देर में कितनी लीला को देख लिया। वैसे ही परम धाम में हम भी एक वहाँ क्षण नहीं हुई है, एक साइत एक पल नहीं हुई, तब तो हमने ब्रज देखा रास देखा इस जागणी के ब्रह्मांड के पांचवें दिन नहीं ये छठे दिन की अंतिम समय चल रहा है। तो इस प्रसंग के माध्यम से हमको क्या समझाया
कि जो तुम मूल मिलावे से इस खेल में जब ब्रज में सखियों के रूप में अपने को देखने लगे, वहां जो अलस्तो बेरब कुम जो शब्द बोले थे और तुमने बोला हाँ नहीं अवश्य आप हमारे स्वामी हो, यही शब्द अभी मूल मिलावे में गूंज रहे हैं। तो धामधनी ने खिलवत की वाणी के माध्यम से बताया कि जब मैं आऊँगा तुम्हें याद तब ही बैठोगे जाग। तो मैं कई बार इस चरण पर सोचती हूँ कि राज जी ये क्या विचित्र लीला की बात करे कि धामधनी मेरे को ऐसा विचित्र मतलब ये घटनाक्रम लगता अंदर मेरे अंदर मैं सोचती हूँ तो कि राज जी बोले कि मैं जब आऊँगा याद तब ही बैठोगे जाग। तो क्या हम सच में याद नहीं करते? जो याद करते हैं तो हम मूल तन में क्यों जागृत नहीं हो रहे? ठीक है मूल तन में सबकी जागरणी एक साथ है लेकिन आत्मा के स्वरूप से हम परमधाम में हकीकत की लीला में क्यों नहीं विचरण कर रहे हैं? तो मैं कई बार इस बात को सोचती हूँ। जैसे ही उस बात को लालदास जी के अंदर आसबाई ने सोचा, अभी हम इसी स्थान पर अभी हम भी सोच रहे कि वहाँ क्षण नहीं हुई है, हमने कितने जन्म यहाँ ले लिया, आत्मा कितने शरीर पर बैठी, इस खेल को देख लिया, जितना इतना लालदास जी के अंदर आसबाई ने सोचा, तब अंदर आत्मदृष्टि खुल गई, उसको भागवत और गीता के जो गुह्यतम रहस्य थे वो भी उसको खुलने लगा। इतना ही नहीं आगे उसके अंदर राज्य के आवेश और जोश आए, निज बुद्धि ने प्रवेश कर लिया तो लौकिक दृष्टि भी उतर गई और वो क्या सोचने लगे कि मैं तो मूल घर मूल परात्म में बैठा हूँ, यहाँ तो सिर्फ वहाँ की नज़र से एक हुक्म की नज़र से एक खेल को देख रहा हूँ, एक खेल कुछ और नहीं है, बस इतना ही मान लिया। और यहाँ सुंदर जी लालदास जी महाराज की आत्मा को जागृत करते हुए श्री जी आगे मस्कत पहुँचेंगे लेकिन मस्कत में जो प्रसंग जो घटनाक्रम वर्णित करेगी हम कल के प्रसंग में, लेकिन दो मिनट में हम प्रसंग को पूर्ण करें कि श्री जी आगे शर्त के वायदे के अनुसार जो मस्कत की ओर जाना था तो राजी एक चौपाई बताई कि बांधे आप हुक्म के इतकाजी हुए इताए, कोल किया मोमिनो सो पालिया खेल देखाए। धनी वायदे के शर्त के अनुसार आगे तो जाना ही था, वो मूल स्वरूप में पहले से निश्चित कर लिया था। क्या तो सुंदर साथ को श्री जी कहने लगे कि सुंदर साथ जी मेरे को आगे जाना है, अभी मस्कत की ओर वायु भी एक बहने लगी है सागर के अंदर, तो मैं नाव में बैठकर आगे बढ़ूं। लेकिन सुंदर साथ विदा नहीं कर रहे, रो रहे बिलख रहे, बोल रहे कि धनी इतनी पहचान दी, पल पल आपकी नज़र हमारे पर बनी रही, आपकी छत्र साया आपका सानिध्य छोड़ के ऐसे हम सागर के सूखे किनारे पर ऐसे शहर में कैसे आपके बिना रह पाएंगे? धनी ने बोला कि जितना भी बोलो आगे तो जाना ही है मेरा जरूरी, क्योंकि पता नहीं यहाँ के बंधन में बंधी हुई आत्मा तो छूट जाएगी लेकिन माया के बंधन में बंधी हुई जो आत्मा है कई झूठे बंधनों में बंधी है, अपने को भूल गई है, उसको छुड़ाने के लिए राज जी ने मेरे को आदेश कर दिया है। तब जाके सुंदर साथ ने फिर बोला कि जो बायजू राज जी, मैं प्रसंग को यहाँ जोड़ दूंगी कि जब निकले थे दीव बंदर से तब अरबी लुटोरों ने क्या दीव बंदर पर चापा जो धावा बोला था, तब बाजूराज सहित तेजपुरी सहित कई सुंदर साथ जब तक किए गए थे। तो यहाँ सुंदर साथ ने क्या बोला कि बाजूराज को छुड़वाना है और सुंदर साथ को तो हम श्री जी छुड़वा देंगे, आप यहाँ रहो, लेकिन यहाँ श्री जी ने बोला कि नहीं मेरे को आगे जाना है। तो उस शर्त के अनुसार श्री जी नाव में बैठकर लाठी से सुंदर साथ जी कहाँ आते हैं, मस्कत आते हैं, और मस्कत का प्रसंग हम कल सुनेंगे। इतना के करवाणी को विराम देंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ, चौपाई दोहराए, महामति कहे ए साथ जी,
ए ठठे की बिताका अब कहो मस्कत की जो आज्ञा है हाका जो आज्ञा है हाका। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।